7 a solenoid is in the form of hemispherical surmounted by a right circular cone. Height of the cone is 2 cm and diameter of its base is 4 cm. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the differences of the volume of the toy and the cylinder. तो इस प्रकार में आप देखिए जो ये अंदर की शेप है तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो इसका पहला पार्ट है कि वो जो टॉय है उसकी क्या है कि नीचे से तो है वो हेमिस्फेरिकल और ऊपर से क्या है कोन। तो सबसे पहले तो हमें इस टॉय की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो पहले करते हैं इसका पहला पार्ट। तो रेडियस क्या है कोन का, अब रेडियस क्या है कि कोन और हेमिस्फीयर दोनों का सेम है तो रेडियस ऑफ कोन क्या है 2 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर क्या है 4 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगा 2 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है कोन की, हाइट है, हाइट ऑफ कोन कितनी है 2 सेंटीमीटर। और हेमिस्फीयर का रेडियस भी क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या है 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ टॉय आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² h और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³ तो इसमें से पहले आप देखिए कि 1/3 πr² कॉमन तो यहाँ क्या रह गया h और यहाँ क्या रह गया प्लस 2r। 1/3 पाई की क्या वैल्यू है 3.14, r की क्या वैल्यू है 2 into 2, h की क्या वैल्यू है 2 प्लस 2 into r यानी 2 into 2 यानी 1/3 × 3.14 इंटू में 2 × 4 और ये क्या है 4 × 6 यानी 2 और प्लस 4 6 तो 3 × 6 तो 3.14 इंटू में 4 × 8 तो ये आया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ द टॉय और टॉय किसका बना हुआ कोन और हेमिस्फीयर का। अब नेक्स्ट हमें निकालना है कि जो आप फिगर देखेंगे कि इस टॉय को कवर कर लिया है किसने, सिलेंडर ने। तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो तो सेम ही है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है कितना है 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगी कि हाइट ऑफ द कोन प्लस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगी, हाइट क्या होगी हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ कोन कितनी है 2, रेडियस क्या है हेमिस्फीयर का 2 तो 2 और 2 4 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट, रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर कहीं राइट सर्कुलर सिलेंडर वो क्या आएगी πr²h अब πr²h यानी 3.14, r की क्या वैल्यू है 2 into 2, h की क्या वैल्यू है 4 तो 3.14 2 to the 4 into 16 यानी 3.14 इंटू 8 आया था 25.12 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब हमें क्या निकालना है डिफरेंस, डिफरेंसेस ऑफ वॉल्यूम्स यानी सिलेंडर की वॉल्यूम में से हमें माइनस करनी है टॉय की वॉल्यूम। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है 50.24 माइनस 25.12 ये क्या वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो ये आएगी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया था डिफरेंसेस ऑफ द वॉल्यूम और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 12.2 के एग्जाम्पल्स की क्लास फिनिश हो जाती है, इसमें सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल थे। उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपके समझ में आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।